लोगों की तो दिन में बने और मारी रात ने बने। रात ने क्या खतर बने, 50 लाख जेब में गाल जब बने। जब ये सड़कें बनती है तो सरकारें बदल जाती है। कहण का मतलब है 87 लाख को बजट है नी, वो लागनो चाहिए। गौर नहीं करता गांव का लोग तो लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल भूत नहीं बढ़ा रहा मैंने जी। सारा साल स्टार्टिंग में सारी दिक्कत ही है दिक्कत, तड़की पटी जी मैंने के काम किया इन्हों तो पहला नहीं ठीक है कच्चो रस्तो मैंने आखली दुकान लगा। आयो है राजस्थान रो खुदरो ओटीटी प्लेटफॉर्म जठे आपने मिल सी वेब सीरीज फिल्म कविताएं कहानियां और भी बहुत कुछ। देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। सगला दर्शकों ने राम राम। कैमरामैन विशाल के साथ मैं आशु थे देख ला रहे हो झलको हनुमानगढ़। आज अपन मौजूद हाँ बम्बूवाल ढाणी गांव है बठे। अठे एक सड़क को निर्माण है वो किराया जब लाग रहा है लगभग 3.5 किलोमीटर यहाँ सड़क बनेगी बम्बूवाल ढाणी को लेकर 12 GR के तक है। और सड़क को जो बजट है लगभग 87 लाख रुपया का लमसम है। लेकिन ग्रामीण है गाँव का ग्रामीणा को आरोप है कि सड़क के निर्माण के अंदर है जो एक तरीके के जो घटिया निर्माण सामग्री है भी को इस्तेमाल करे जा ला रहे है बिना लेके है। गाँव का ग्रामीणा में रोष है, जाहिर सी बात है सड़क लंबा टाइम बाद में बना लाग रही है और बी के अंदर है जो सड़क के अंदर भी घटिया सामग्री का उपयोग हो लग रहा है। तो ग्रामीण के अंदर रोष है, बात ना लेके आप बातचीत करांगा बम्बूवाल ढाणी गांव का ग्रामीण सारा का सारा मौके पर मौजूद आगे सागे जानांगा। वीडियो मंत तक हमारे सागे बने रहिए। आज की वीडियो का स्पॉन्सर है स्टेज है नाम भाई तेरा मेरो महेंद्र बो भी है गांव को यहां और इन उद्घाटन भी आपा करायो बड़ा खुशी हूं करवायो। और बिना बाद में के होयो के मैं गांव को सड़क को रोकने के विरोध में कौन इकट्ठा होया अठे कोई आपा इन्हें सड़क ने रोक दिया बहुत औखी मंजूर हुई है। कहण का मतलब है कि 87 लाख को बजट है नी वो लागनो चाहिए। इं ना आवे क्या 50 लाख आपकी जेब में गाल जावा उपरला उपरला सड़क बना जावा। और इन्हें मैं आपको भाग माना हाँ कि चीज माना के लोगों की तो दिन में बने और मारी रात ने बने। रात ने क्या खतर बने, 50 लाख जेब में गालना जद बने। मैं विरोध में कोनी, मैं विरोध में कोनी के भैया सड़क ना बने। मैं बहुत खुशी हाँ, मैं प्रसाद चढ़ायो आठा मननी चाहिए पर वो बजट 87 लाख को लागनो चाहिए। ठेकेदार ने कहा क्या माने ध्यान को नहीं, माने ध्यान को नहीं, मैं कहा भी 87 लाख को बजट है तेरी बचत है बात मिलनी चाहिए और मारो शौक गांव वाला वो बेहतर से पूरा करांगा। अब इं ना हो 50 लाख जे मैं गाल लिया और ऊपर लाओ पर सड़क बना जावा लोगों की तो दिन में कौन बने और हमारी बने रात ने। ये जी ग्राम पंचायत डबली बास पेमा सड़क मंजूर हुई है यहाँ पे और ये सड़कें पत्रकार महोदय आपको पता है कि गांव के लोग बहुत प्रयास करते हैं इस सड़कों के लिए। गाँव में सड़क की सुविधा हो जाए तो यहाँ पे बच्चे भी स्कूल जाते हैं उनकी बसों में स्कूल जाना शहर की ओर जाना, तो गाँव में सड़क बनना गाँव के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होती है। और ये सड़क हम मंजूर करवाने के लिए जब लगते हैं जब किसी MLA के पास भागते हैं उस टाइम कौन सा ही होता है, जब ये सड़कें बनती है तो सरकारें बदल जाती है सड़कें बनती बनती। और अभी ये जो यहाँ पे सड़क मंजूर हुई है ये 3.25 किलोमीटर के करीब हुई है और 87 लाख का बजट है। यहाँ पे ग्राम के जो नागरिक बंधु इन्होंने सब ने हमें यहाँ पे बुलाया और सड़क जो निर्माण चल रहा है इसमें गाँव को लोगों को शिकायत है कि इसमें जो निर्माण कार्य है वो सही ढंग से नहीं हो रहा। आज हमने यहाँ पे मौके पर आकर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच बालचंद जी जानी भी है और पूरे ग्राम पंचायत के जो नागरिक है सारे सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए और ठेकेदार महोदय को और जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें भी यहाँ पे मौके पे बुलाया है और इस काम का निरीक्षण किया है। जहाँ भी ठेकेदार जी ने बोला है भी जहाँ भी आपको काम में कोई शिकायत लग रही है हमारी ओर से, गाँव के 2 लोगों की हमने यहाँ पे कमेटी बनाई है जो हमारे गाँव के जो युवा साथी हैं इन ठेकेदार जी के जो काम चल रहा है रोड का इसके ऊपर रहेंगे साथ में रहेंगे। जहाँ भी कोई काम में कोई दिक्कत लग रही है उस काम को ये जब तक कंप्लीट या दुरुस्त नहीं करेंगे यहाँ से अपना सम्माना दो यहाँ से उठा के नहीं लेके जाएंगे। आज हमने इन ठेकेदार को बोल दिया कि जो भी गांव के लोगों को इस बात में संतुष्टि चाहिए पूरी, क्योंकि करोड़ों रुपए का बजट लग के ये सड़कें मंजूर होती है काम के अंदर है घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है आई बात है ग्रामीणों को आरोप है तो थे देखियो कुछ लागे हो। अभी हमने जो यहाँ पे सड़क देखा है अगर ये सड़क आज 3 दिन हुए हैं और यही ठेकेदार जी से हमने बुला के बात की तो उन्होंने बोला भी ये सड़क अभी कच्ची है तो 2 दिन इसको आप पड़े रहने दो, सूखने के बाद में इसमें अगर कोई कमी रहेगी तो उन्होंने गांव के लोगों के बीच में कहा है कि अगर इस सड़क में आपको कोई कमी लग रही है तो उसको हम दुरुस्त करके जाएंगे, जब तक गाँव के लोग सारे संतुष्ट नहीं हो जाएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। स्टेज ऐप राजस्थानी भाषा के अंदर लेके आए नई नई वेब सीरीज नई नई फिल्म तो आज ही प्ले स्टोर में जाओ स्टेज ऐप डाउनलोड करो। जी सड़क बन लग रही है ये हमारा गाँव का युवा छोरा है देख रेख करेगा ठेकेदार हाँ भरी है
में बढ़िया थारी तैयार करवा के देंगे। नहीं मतलब पहला गांव का नहीं अलग हो सड़क में घटिया निर्माण चला हो गया। घटिया निर्माण तो घटिया तो दिखने लगे सामने। कितना लंबा कितना टाइम बाद में सड़क बनने लग रही? इससे पहला अटके उखड़ बन जो ग्रेवल रोड ही लंबा टाइम बाद दूसरा पंचायत गाँव में मलकोका 1200 वोट भी है। वहाँ लोगों ने ग्राम पंचायत जोड़ने की आई सड़क है आई सड़क है मुख्य। 12000 के चक भी जुड़े गो डानिया भी जुड़ेगी एयरपर ने मलकोका गाँव में वो भी मारो सड़क जुड़े गो मारा के आने आने वाले टाइम में जहाँ सड़क मलकोका हो गया पक्के सारण जुड़ जाएगी ताकि गंगानगर पंजाब में जाना लोग बागान है इन एरिया का बहुत लोगों ने सुविधा मिलेगी सड़क को। राकेश कुमार अटके रहना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी मतलब सड़क बना लग रही है पहला तो खुशी ग्रामीण सड़क बन रही है वो घटिया सामग्री है दुख वाला। बिल्कुल बिल्कुल घटिया मेटीरियल लगे गो तो सरपंच साहब ने जी साहब बताई हुए भी एकड़ तो बना के उठ जाएगा पर इनकी हर टाइमिंग की दिक्कत ही गांव ने झेलनी पड़ेगी। तो मतलब थाने पतो क्या लागे भाई घटिया या थे आप ही आगे चेक कर गांव का युवा है जका भी ए रात ने बनान लाग रिया सुबह रात ने सड़क बना बिल्कुल भी हो आंगो किया भी हो ए रात ने निर्माण चल लाग रही सुबह आगे देखियो तो इनमें है कमी जबकि हुआ बांस आगे बात हुई है तो एक है भी जी हाँ कमेटी बना के रोर कमी जिया भी इनकी कमी है अभी सब में पूरा करके हटूँ जावांगा। अगर गौर नहीं करता गांव का लोग तो लगाया था बिल्कुल बिल्कुल भूत नहीं बढ़ा रहा गांव में इन चीज़ सारा साल एक बार गवर्नमेंट का रुपया लगन लग रहा तो मतलब हम फर्ज मने इन चीज़ को बढ़िया तरीके से निर्माण होना चाहिए। आवागमन कितो गई सड़क पर रोज बहुत ज्यादा भाई जी डेली गेट दो मेरा लगा टाटा से लोडिंग होगी तो ही नहीं लोडिंग में सारी दिक्कत ही है दिक्कत तड़की पटी जी मैंने के काम किया इन्होंने तो पहला नहीं ठीक है कच्चा रस्ता मैंने आकड़ी तो लगा ठेकेदार से बात करा लक्ष्मण खड़गा रहना रहो हनुमानगढ़ गुड़ मंडी तो ओ ग्रामीण ने आरोप लगा वाला रहेगा इस सड़क के अंदर है जो घटिया सामग्री को इस्तेमाल हो रहा है। देखो जी आरोप तो क्यों लगा सके ग्रामीण मेरे सगा काम आ जिया जिया के मैं मेरे एज पर स्पेसिफिकेशन भी करे है और आ जिया जिया के है वो भी करे है कोई कमी बताई है तो बेगो मैं निवारण भी करे है आगे भी करूँगा। नहीं निवारण करे अभी के बाद में फिर इतना लोग क्यों कटे आ तो आगे सोचा मैं के स्कूल सोच को नहीं ठेकेदार जी आ देखो सड़क तो आ तो चल पटो ना अरे पटो ना सीमेंट पट्टे को लग रही तो देख ला मेरे साथ मैं तो आरोप ग्रामीण पर कौन लगाऊं कभी मैं रात ने तो सड़क बना के जाऊं दिन गए मैं ठोक रहा हूं पट्टा है तो देखो सीमेंट सड़क ने सेट होने में टाइम लगा कितना दिन लगे सड़क 15-20 दिन तो पक्का ही लगेगा सीमेंट में ही 28 दिन लगा है तो आ तो कोलता रहे थारा कहना गया कि सड़क एकदम सही है भी सही बनाई है मैं कमी है तो और दुरुस्त कर देंगे। तो बजट कितना ठेकेदार जी मेरे ख्याल 86 लाख के लगभग होना चाहिए। कितना किलोमीटर बना रहे हो 2.75। अब देखिए आश्वासन दिया गांव के लोगों ने मैं क्यों एक भी थी मैंने मैं आदमी दो जोड़ दो और मैं जठे मैं काम करूँ बाकी देख रेख में काम कर दूंगा। सड़क दिखाना चाहूंगा मैं कैमरा मैन ने कहूंगा देखो थे मतलब सड़क अब भी बनी है कितना 2-3 दिन हो गया कि बने रहे काल की ही बनड़ी है और खाडा है जो सड़क के ऊपर खाडा देखा ला रहे होते मैं ज्यादा कौन करूंगा वरना सड़क जो बनी है इतनी मुश्किल हुआ सारी उखड़ जाएगी और वो देखा ला रहे हो आता कंधरावा लाग रहे हो सारो डामर है जितो इस सड़क को सड़क है वो विकास है विकास होवल तो लाग रहे है गाँव के अंदर लेकिन वो रास्ता में रुक गए सारो को सारो विकास है। बंबू वाली ढणी गाँव के अंदर आप पहुंचे हाँ लंबे टाइम के अंदर है जो सड़क को निर्माण हुए और भी सड़क के अंदर है ठेकेदार की तरफ जो धांधली करी जा ला रही है ग्रामीण को आरोप है इसको ठेकेदार धांधली कर ला रहे सड़क के अंदर घटिया सामग्री है भी को इस्तेमाल हो ला रही है लंबे टाइम बाद में गाँव के अंदर सड़क बना ला रही है गाँव का ग्रामीण के अंदर आक्रोश है सारा सारा ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गया और ठेकेदार ने चेतावनी दी ठेकेदार ग्रामीण ने आश्वासन भी दिया है और सड़क है जो थाने दिखाई है सारी की सारी खोद के दिखाई है मतलब के तरीके हुए सड़क का जो दाना है निकला लाग रहा है बारे तो वीडियो थारे किसी लागी वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मैंने जरूर बताया चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में बेल आइकन के बटन दबा दो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो हर गांव में या आसपास में किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में झलकोर मानगढ़ चैनल का हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है थे माने ये नंबर फोन करो मैसेज करो मैं बड़े जरूर पूछूंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज उठाऊंगा अंत में माने दो इजाजत मिला थर सा अगली वीडियो में जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।